बहुत ही कम समय में अपनी बोली के साथ सुर्खियों में आए प्रोफेसर नितेश कराले अब पदवीधर चुनाव में अपने हाथ आजमा रहे हैं। इसी के चलते शुक्रवार को उन्होंने नागपुर जिले के कलमेश्वर तालुका में अपने प्रचार के दौरे दौरान विनर्स कंप्यूटर यहां पहुंचे, जिस दौरान पदवीधर मतदाताओं से उन्होंने संवाद साधा। प्रोफेसर नितेश कराले सभी स्नातक, शिक्षित बेरोजगार स्नातक, शिक्षक, संस्थान संचालक को न्याय देने का काम कर सकते हैं। साथ ही केवल वे ही उनकी हर समस्या का समाधान विधान परिषद में कर सकते हैं। और अब तक किसी भी स्नातक विधायक ने स्नातकों के साथ न्याय नहीं किया है। आज के शिक्षित स्नातक बेरोजगार प्रतीत होते हैं और इस बेरोजगारी का निवारण केवल नितेश कराले ही कर सकते हैं। ऐसा वक्तव्य विजेता कंप्यूटर संस्थान के निदेशक शशिकांत सुके ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं को उन्हें भारी मतों से जिताने का आवाहन भी किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर नितेश कराले, राजेश श्रीखंडे, प्रशांत मड़ावी, चंद्रकांत सुके, तुकाराम इंगले, नितेश धोटे सहित अन्य स्नातक मतदाता उपस्थित थे। 1 डिसेंबर ला पदवीधर नागपुर विभाग पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक होत असली असून शिक्षक युवक बेरोजगार आघाडीचे अधिकृत उमेदवार प्राध्यापक नितेश कराळे हे आज आपल्यासोबत आहे। नितेश जी नमस्कार। नमस्कार। आमच्या इनबीसीएनच्या माध्यमातून आपण या पदवीधर मतदारांना काय अपील करू इच्छिता? माझी पदवीधर मतदारसंघात जे लोक नोंदणीधारक मतदार आहेत त्यांना एवढीच अपील आहे की एक तुमचा हक्काचा माणूस आणि तुमच्या मुलांच्या तुमच्या समस्या हक्कानं तिथं मांडणारा माणूस, कारण प्रस्थापितांची 40 वर्षाच्या वर झाली सत्ता आहे, त्यांनी तुमच्यासाठी काय केलं, खरंच तुमचे प्रश्न तिथं मांडले का? एखादा आमदार निवडून आला तर तो तुमच्या दाट्यात येतो का? आणि आल्यानंतर तो तुम्हाला तोंड तरी दाखवतो का याचा विचार करा। आणि जर तुमचे प्रश्न मी तिथपर्यंत नेऊ शकत असेल तर मला पसंती क्रमांक 1 मत देऊन, ठीक आहे, मला तुम्ही भरघोष मताने विजयी करू शकता। एक विश्वास, एक शेतकऱ्याचं पूर्ग, एक आपल्या हक्काचा माणूस म्हणून माझ्यावर दाखवू शकता, एवढंच बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपील केली आहे। कॅमेरा पर्सन नितेश सोबत योगेश कोरडे, इनबीसीएन न्यूज, कमेश्वर।